रेसिपी किसी के रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, तो आई होप ये रेसिपी उनको पसंद आएगी। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ले ली है बॉईल की हुई। 150 ग्राम मैंने मैक्रोनी ले ली है। इसे बॉईल करते वक्त हमने सॉल्ट और ऑयल डाल रखा था, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जो वेजेस चाहिए हमें वो देख लेते हैं। 2 बड़ी शिमला मिर्च चौकन टुकड़ों में कटी हुई, पत्ता गोभी चाहिए हमें बारीक कटी हुई, कैरेट बारीक कटी हुई और एक प्याज बारीक कटी हुई। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। इसके अलावा हमें कुछ सॉसेस और कुछ स्पाइसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप टोमेटो केचप ले लिया है, आधा कप से थोड़ा कम हमें रेड चिली सॉस चाहिए। ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक और लहसुन। तो अदरक और लहसुन की आप पेस्ट भी ले सकते हैं या तो फिर इसे इस तरह से बारीक क्रश करके डाल सकते हैं। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे क्रश करके डालें। तो ये हम ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी है, लेकिन यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्च मैंने गार्निश के लिए यूज़ की है। और नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और ऑयल हमें चाहिए इसे फ्राई करने के लिए। तो ये हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं चिकन मैक्रोनी बनाने की तरफ। तो चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो चुका है हमारा। अब इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब नॉर्मली ऐसे डिशेज बनाते वक्त इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है, लेकिन अजीनोमोटो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होता है, तो यहाँ पर मैंने इसे नहीं यूज़ किया है। तो अब तेल गर्म होते के साथ हम इसमें अदरक और लहसुन की हमने जो क्रश करके रखा है उसे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च, इसे भी चला देंगे। और अब हमें इसे चलाते हुए गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अदरक और लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चला देंगे इसे अच्छे से। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे, चिकन जो है अपना पानी अच्छे से रिलीज कर देंगे। और अब हमें इसे चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और चिकन से जो जूसेस निकलेंगे वो अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए। अब जब तक कि हमारे चिकन वहाँ पे फ्राई हो रहा है तब तक के थोड़े से वेजिटेबल सौते कर लेते हैं। आप अगर चाहे तो सेम पैन में कर सकते हैं चिकन को थोड़ा सा साइड में करके, लेकिन यहाँ पर मैं अलग पैन यूज़ कर रही हूँ। अब इस पैन में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैंने लंबाई में काटा है, आप आपके चॉइस से जैसे आप पसंद करते हो वैसे इसे काट सकते हैं। चला देंगे इसे। और जब भी हम ऐसी डिशेस बनाएंगे एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि वेजिटेबल को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। इसमें हल्का सा हमें क्रंच चाहिए, तो बस थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट इसे सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमेशा हाई रखेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही अच्छे से कुक कर लेना है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, मिक्स कर लेंगे इसे भी। अब हाई फ्लेम पे ही हमें इसे सौते कर लेना है। आधा मिनट इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे जिसे मैंने लंबाई में काट के रखा था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम हाई रखें। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो चुके हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इसमें हल्का सा क्रंच चाहिए हमें। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी पत्ता गोभी। सारी पत्ता गोभी यहाँ पे नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें गार्निश के लिए रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पत्ता गोभी डालने के बाद में हम इसे चलाएंगे नहीं, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। वेजिटेबल्स सौते हो चुके हैं हमारे, इसे साइड में रख देते हैं और अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। और ये देखिए इधर हमारा चिकन जो है इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब जितना भी पानी इससे रिलीज़ हुआ था इसने कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, विनेगर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। चला देंगे इसे भी। अब इन सॉसेस और मसालों में चिकन को 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो
एक से डेढ़ मिनट चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे, टोमेटो केचप डाल देंगे यहाँ पे, रेड चिली सॉस मिक्स कर लेंगे इसे भी, और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। तो सॉसेस को मिक्स करने के बाद अब बारी है वेजिटेबल्स डालने की। तो ये सारे वेजिटेबल्स हमने अच्छे से टॉस करके रख दिए थे, अच्छे से सौते करके रख दिए थे, ये सारे इसमें हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसे, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी बॉईल की हुई। ये देखिए मैक्रोनी को मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था जिसकी वजह से ये एक दूसरे से चिपकी नहीं है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और यहाँ पे आपको अगर सॉल्ट डालना है तो हमने चिकन में पहले ही सॉल्ट डाल रखा था, और जब हमने इसे बॉईल किया था मैक्रोनी को तब भी इसमें सॉल्ट डाला हुआ था। तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च जो मैंने गार्निश के लिए निकाल के रखी थी। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी, और बस एक मिनट तक के हाई फ्लेम पे हम इसे चला देंगे, और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है और चिकन मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही सिंपल चिकन मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।